सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और प्रेस करें इस घंटी को ताकि आपको मिल सके हमारी। आमतौर पर एक इंसान 80 से 100 साल तक जिंदा रहा सकता है, वहीं ज्यादा मान लिया जाए तो उसकी उम्र 100 साल तक चली जाएगी। अपवाद को भी जोड़े तो ज्यादा से ज्यादा 120 एक सामान्य इंसान की उम्र मानी जाती है। मगर आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। जी हाँ, चीन का एक शख्स 256 साल तक जिंदा रहा। चीन के ली चिंग यूएन के दावों की माने तो उसका जन्म 1736 में हुआ था। हालांकि ये जानकर आपको हैरानी जरूर हो रही होगी, पर ये सच है। वैसे हम आपको बता दें कि साल 1933 में न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित एक चीनी इतिहासकार वू चंग जी के एक शोध के मुताबिक चीन के ली चिंग यून ने 6 मई 1933 को अपनी मृत्यु से पहले 256 वर्ष का जीवन जिया था। अपनी जीवन काल में उसने 200 से अधिक संतानों को जन्म दिया था और 23 पत्नियों का अंतिम संस्कार किया था। ली एक प्राकृतिक चिकित्सक थे और मार्शल आर्ट में तो उन्हें महारत हासिल थी। 256 साल जीने का राज। ली चिंग यून जब महज 10 साल के थे तभी उन्होंने मेडिसिन साइंस के एक बिजनेस की शुरुआत कर दी थी। करीब 40 सालों तक वह जड़ी बूटियों जैसे कि लिंगजी, गोजी बेरी, जंगली जिनसेंग, वू और गोडू कोला और चावल से बने शराब को भोजन के रूप में लेते रहे। कुछ कहानियों के मुताबिक ली बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे। चिंग का अपनी लंबी आयु के बारे में कहना था कि शांत रहो, कछुए की तरह बैठो, कबूतर की तरह चलो और एक कुत्ते की तरह नींद लो। वैसे ली का मानना था कि सांस लेने की तकनीक और शांत मन यकीनन एक लंबी आयु पाने का अद्भुत रहस्य है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और हमें कमेंट जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि हमारी वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और प्रेस करें इस घंटी को ताकि आपको